अस्सलाम वालेकुम ग्रेट सिक्स, दिस इज़ आर फोर्थ लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 5 कॉपी 1। इससे पहले मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ नोटेशन समझा चुकी हूँ, ये आपको करना नहीं था। मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट नोटेशन बताए थे कि वो 3 टाइप्स के होते हैं। आज मैं इसका एक्सरसाइज वर्क आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1B, आज हम 1B स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर अब आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन दिया हुआ है और आपको टेबुलर फॉर्म में देना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है पूरा टेबल की तरह, यानी आपको पूरा सब लिखना होता है, आपको लिस्ट बनानी होती है। एक्स सच डैट एक्स इज द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी अब आपको सेट बनाना है पाकिस्तान के जितने भी प्रेजिडेंट थे उनके नाम का। इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, फारूक लाहौरी, रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन एंड नाउ रिसेंट आरिफ अलवी। एंड यहाँ पे आपको सेट क्लोज। सेकंड, एन एक्स कोलोन एक्स, सच डेट और कोलोन दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों के सेम ही मीनिंग होते हैं। इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6, यानी लेस देन 6 यानी 6 से स्मॉल या छोटे काउंटिंग नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 तक भी सेट कंप्लीट हो जाता है। ए वाई कॉलोन वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 के टेबल 3 से मल्टीप्लाई होने वाले। अब ये तो जो है अनलिमिटेड चलेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 चलता है। तो हमने डॉट 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 डाल के सेट क्लोज कर दिया, यानी ये चल, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ, एक वास्ट वैल्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 4, बी एन कोलोन एन इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। इवन नंबर्स आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, लेस देन 10, यानी 10 से छोटे, 2, 4, 6, 8। अब हमारा 5, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाले और 20 से छोटे। तो हमने 20 से छोटे 3 की डिवाइड 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसके बाद 21 आता है 3 की टेबल में, तो हमने 20 से क्योंकि लेस देन लिखने थे तो 18 पे क्लोज कर दिया। डी एक्स एच डेट एक्स इज द प्लानट इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के जो 9 प्लानट्स हैं पूरे सबके नाम लिखने हैं, मरकरी, वेनस, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 7, एक्स सच डेट एक्स इज अ डे ऑफ वीक, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपने 7 डेज का सेट बना दिया, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्यू वाई कॉलोन वाई इज द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी, यानी ऐसे 3 कंट्रीज के नाम लिखने हैं जिनका लेटर, जिनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो बी हो। भूटान, बांग्लादेश, बहरीन, आप और भी लिख सकते हैं, बेल्जियम है, ब्रुनाई, दारुल इस्लाम है, मतलब कोई से भी, लेकिन आपको यहाँ जस्ट 3 शो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपने टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया था सेट बिल्डर को, अब आपको टैबलेट में दिया गया है और आपको सेट बिल्डर नोटेशन में करना है। ए बी सी जी, या आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, कैसा सेट है, ये अल्फ़ाबेट का सेट है इंग्लिश के। तो आपने लिखा पी, आपने सेट ब्रैकेट लिए बनाया, एक्स कॉलोन एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये आपका सेट बिल्डर में हो गया। 2, 4, 6, देख के क्या समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है कि ये इवन नंबर का सेट है और ये कंटिन्यू है, तो हमने लिखा एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर। आर 1, 3, 5, 9, तो ये ऑड नंबर देखने में पता चल रहे हैं, और 9 यानी लेस देन 10 है, 10 से छोटे डिजिट, तो हमने एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। एस जैस्मीन, जून, जुलाई, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ मंथ है और ये फ्लावर नेम है, तो ये एक सेट फ्लावर या मंथ का नहीं होता, हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स इज़ अ वर्ड स्टार्टिंग विद जे, यानी वो वर्ड्स हैं जो कि जिनका वो स्टार्ट किया गया है जे से। जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर, दिस इज अ फ्लावर नेम, एक्स सच डेट एक्स इज अ फ्लावर नेम, या नेम ऑफ अ फ्लावर, या सेट ऑफ फ्लावर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ 2 दिया गया है, तो ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो आपने लिखा एम एक्स सच डेट एक्स इज एन स्मॉलेस्ट इवन नंबर। वी कैट, टाइगर, लाइन, तो कैट, टाइगर, लॉयन तीनों एनिमल हैं और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एनिमल हैं, अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल फैमिली एक ही है। तो आपने जी कॉलोन जी इज आर 3 एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फिलाइन फैमिली। केक, बिस्किट, पेस्ट्री, आपको पता है बेकरी आइटम्स हैं। वाई कॉलोन वाई इज 3 टाइप्स ऑफ बेकरी आइटम, 3PHRW। एट, 4, 8, 12, 16, एक्स कोलॉन एक्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ 4, ये 4 के टेबल से मल्टीप्लाई होने वाले वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं लेस देन 16 या 20। 3, 6, 9, एक्स सच डेट एक्स 3, 6, 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, और ये कंटिन्यू है, चल ही रहे हैं आगे तक।
21, 28, 35, 42, 49. तो ये 7 के मल्टीपल्स हैं. एक्स कॉलोन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7. लिखना चाहें तो लेस देन 50 भी लिख सकते हैं. 6, 12, 18 मैंने सिंपल रखा है. अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें तो भी ये सही है. बस आपको सेट बिल्डर नोटेशन बनानी है उसको. 6, 12, 18 फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 6. 6 के टेबल के 3 मल्टीपल है. 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18. तो हमने इसीलिए लिखा मल्टीपल फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 6. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में पीछे भी कर चुके हैं लेकिन यहाँ दोबारा से क्वेश्चन दिया गया है तो इसलिए दोबारा से कर रहे हैं. सेट ऑफ डेज इन अ वीक. अगर आपको सेट नेम यहाँ नहीं दिया हुआ तो आपको भी टेबुलर फॉर्म के में लिखने की जरूरत नहीं है. आपने जस्ट सेट ऑफ इन्होंने डेज बोला है इन अ वीक तो आपने लिख दिया पूरे सेट के नेम. मंडे ट्यूजडे वेंसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. वन डिजिट नेचुरल नंबर, तो वन डिजिट यानी एक डिजिट के. तो 9 तक जो है वन डिजिट होता है, 10 जो है वो 2 डिजिट पे आ जाता है. तो 9 तक बना दिया. इवन नंबर बिटवीन 12 और 21. 12 और 21 के बीच में जितने इवन नंबर होते हैं 12, 14, 16, 18, 20. ऑड नंबर बिटवीन 10 और 20. तो 11, 13, 15, 17, 19. सेट ऑफ टू डिजिट नंबर्स यानी 10 से जो ये स्टार्ट होते हैं और 99 तक, क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट हो जाता है. तो आपको 99 तक इसको करना है. बीच में डॉट डाल दिया. आप इतना वास्ट या इतना ज़्यादा लिखने से बेहतर है आप बीच में डॉट डालते हैं. ये हमारा एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आज हम एक्सरसाइज 1B भी फिनिश्ड कर रहे हैं. तो इसका आप कॉपी वर्क अच्छी तरीके से कॉपी में कर लीजिए और यहाँ पर हमारा ये काम खत्म हो रहा है. थैंक यू.